स्मिथ बढ़ना नाम का मिसमैच हो रहा है। इफ यू आर रेगुलर, इफ यू आर फोकस्ड, तभी आप ग्रो करोगे। सो बेसिकली मैंने यूट्यूब स्टार्ट किया था इन अप्रैल 2019। बेसिकली मैंने ग्रेजुएशन वगैरह कर लिया था, उसके बाद यूट्यूब में बहुत ज्यादा बिजी हो गया था। तो पहले हम लोग एंजॉय करते हैं ब्लैक करंट, पता चला कि इनका भी यही फेवरेट है। उस टाइम मेरे पॉकेट में 1000 रुपए भी कैश नहीं पड़ा था। मतलब ऐसा कभी क्राउड में जाते हो आप तो परेशानी नहीं होती है फैन फॉलोइंग से? कुछ बाहर के यूट्यूबर्स आए थे और बिहार को बहुत बहुत बुरा बोल कर गए थे कि किसी दूसरे को देखकर फॉलो मत करो, कि इंसान भी ऐसा कर रहा है तो मैं भी ऐसे करूँ। पहले जब मेरे 1 लाख सब्सक्राइबर हो गए थे। हमारे साथ जो बैठे हैं अभी, आप लोग फ्रेम में जानते होंगे इनको, इनका एक यूट्यूब पे जो नाम चला आया है दैट इज स्ट्रीट बर्नर। और आई होप कि बहुत सारे जो अभी व्यूअर देख रहे हैं ना स्ट्रीट बर्नर को, वो स्ट्रीट बर्नर से ना बहुत ज्यादा इंस्पायर हुए होंगे। कारण क्या है ना कि एकमात्र एक ऐसा बंदा है स्ट्रीट बर्नर हमारे सामने जो कि पूरे बिहार के कम्युनिटी को ना इंटरनेशनल लेवल पे रिप्रेजेंट कर रहा है। क्योंकि अगर आप इनके चैनल पे जाके कंटेंट देखते होंगे तो आपको दिखता होगा मोटो व्लॉगिंग तो करते ही है हमारे स्ट्रीट बर्नर, और साथ ही साथ बाइक की जो लॉन्चिंग होती है, बड़ी बड़ी बाइक्स की लॉन्चिंग, जैसे KTM 390, KTM में जितने भी इवेंट्स होते हैं, फिर बजाज के हो गए, हस्क्वर्ना, ट्रायम्फ, तो ये सारी चीजों को रिप्रेजेंट करते हैं बिहार से निकल के बाहर जाके। पहले हम लोग एंजॉय करते हैं ब्लैक करंट, और पता चला कि इनका भी यही फेवरेट है। सो वेलकम बैक टू माय चैनल एंड आई होप यू आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। और इस पॉडकास्ट का जो मेन मोटिव है ना, वो है कि मतलब यूथ जो है उनको बताना चाहता हूँ मैं, और हमारे साथ जो स्ट्रीट बर्नर है वो बताना चाहते हैं कि क्या आपको करना चाहिए। क्योंकि अभी राइड करके ही जस्ट आया है और इनका समय हमें बड़ी मुश्किल से मिला है। ये अपने गैजेट्स भी लेके आए, गैजेट्स इन सेंस मतलब जैकेट लेके आए और हेलमेट, जो राइडिंग गियर्स मतलब राइडर्स के लिए वही गैजेट होता है, राइडर्स का जो गहना होता है ना वो लेके आए हुए हैं ये, तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगा थ्रू आउट द वीडियो। तो इस पॉडकास्ट को पूरा देखो और फुल्ली एंजॉय करो। आपकी जो यूट्यूब जर्नी है वो कैसे स्टार्ट हुई? सो बेसिकली मैंने यूट्यूब स्टार्ट किया था इन अप्रैल 2019, और मतलब मैं बाइकिंग में बहुत पहले से हूँ, बट एक होता है ना खुद का चैनल क्रिएट करना, तो इन सब चीज के लिए ना बहुत ज्यादा मतलब अंदर से ना मोटिवेशन चाहिए होता है। तो उस टाइम कुछ फ्रेंड्स थे हमारे, और एक मेरा फ्रेंड था आजम, तो उसके साथ हमने बहुत सारे वीडियोज वगैरह बनाए थे, तो मेरे को बहुत टाइम से पुश कर रहा था भाई तू भी कर, तू भी कर। बट एक टाइम पे ऐसा लग रहा था भाई इस चीज में जाऊं या नहीं जाऊं। देखो आफ्टर ऑल अपन है पटना से, तो थोड़ा मन में होता है ना थिंकिंग कि भाई पढ़ाई लिखाई छोड़कर इस चीज में घुसना, क्योंकि जब तक आप पूरा नहीं करोगे, पूरा तरीके से इन्वॉल्व नहीं होगे ना, तब तक आपको कहीं ना वो कमी रह जाएगी। तो मैंने सोचा चलो लेट्स सी, भगवान ने जो चाहा अगर अच्छा होना तो अच्छा होगा, तो हमने सोचा चलो इसमें एक स्टेप बढ़ते, अगर अच्छा हुआ तो आगे बढ़ेंगे। वो जो टाइम था ना वो ऐसा था, गोल्डन टाइम था हमारे लिए, क्योंकि उस टाइम यूट्यूब पे बहुत ज्यादा क्रिएटर नहीं थे, बहुत ज्यादा क्रिंज कंटेंट नहीं थे, तो ऐसा था कि आप कुछ भी अगर डिफरेंट करोगे भीड़ से अलग होकर तो आपका वो चीज चल जाएगा। एक सवाल आपसे पूछना चाहूंगा कि 2019 के आसपास की आपकी मतलब कहानी शुरू होती है यूट्यूब पे, तो उसमें उतार चढ़ाव भी तो बहुत सारे आए होंगे। बिल्कुल आए, मतलब एक टाइम पे तो मेरे चैनल पे दो दो स्ट्राइक आ रखा था, मतलब अगर तीसरा स्ट्राइक आता तो चैनल उड़ जाता, वो तो सबको पता है। तो उस टाइम जो मैंने फेस किया था, और एट द एंड मेरे को पता भी चल गया था कि कैसे क्या हुआ था, तो उसका सॉल्यूशन मैंने अपने तरीके से भी निकाल लिया था, तो वो तो बात की बात है। लेकिन लाइफ में मैं एक चीज़ हमेशा सीखा हूँ, मतलब इतने टाइम में स्पेशली ऑन यूट्यूब, इफ़ यू आर रेगुलर, इफ़ यू आर फोकस्ड, तभी आप ग्रो करोगे। अगर आप रेगुलर नहीं हो, फोकस्ड नहीं हो, स्पेशली अगर आपको जो चीज़ पसंद है, अगर आप अपने हॉबीज और अपने पैशन को अपना प्रोफेशन बना दो, देन यू विल ग्रो। ऐसा नहीं कि भाई मुझे बाइकिंग पसंद है और मैं जाके फूड ब्लॉगिंग कर रहा हूँ, तो ये चीज़ कभी आपको ग्रो करने नहीं देगा। तो कुल मिला के बात ऐसी है कि आपकी जो नीश है टारगेटेड रहनी चाहिए। अगर आप बाइक इंडस्ट्री वो स्टार्टिंग से ही फोकस्ड रहना चाहिए। इफ यू आर अ बाइकर, इफ यू आर अ मोटो ब्लॉगर, तो आपके वीडियोस में बाइक दिखनी चाहिए, ना कि आप क्या खा रहे हो, क्या पी रहे हो। वर्ल्ड थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स जाके मैं क्वेश्चन पूछना चाहूंगा, आपकी एजुकेशन कितनी है? बेसिकली मैंने ग्रेजुएशन वगैरह कर लिया था, उसके बाद यूट्यूब में बहुत ज्यादा बिजी हो गया था, तो उसके बाद टाइम नहीं मिल पाया, बट मैंने मास्टर्स में एडमिशन ले रखा है, जो कि टाइम के साथ हो जाएगी। क्योंकि बहुत सारे मतलब लड़के लोग है ना, उनको जानना होता है कि यूट्यूबर्स पढ़ाई करते हैं कि नहीं पढ़ते हैं, बिना पढ़े ही पहुंच जाते हैं यूट्यूब पे। बिना पढ़े आप बोलना नहीं जानते ना, बोल नहीं पाओगे। अगर आपको बोलने का नॉलेज मतलब तरीका नहीं पता है,
तो कोई भी बंदा जो एक एजुकेटेड पर्सन होगा वो आपकी वीडियोस नहीं देखेगा। पॉइंट है। और सबसे बड़ी बात, आपको बाइक से कितना मोहब्बत है? अगर आपको मैं कहूँ कि 1 to 100 में स्केल करो, आप कितना करना चाहते हैं? अगर 100 से ऊपर भी कोई स्केल में आता है तो वो भी डाल दो, क्योंकि आपका जो बाइक का प्रेम है, मतलब आपके जो बाइक से प्यार है, वो आपके वीडियोस में सब लोग देख पाते हैं। Exactly. और मेरे को आप ये बात बताओ, जैसे कि कोई नया यूट्यूबर आना चाहता है बाइकिंग इंडस्ट्री में, मैं आप लोग के लिए ये बात पूछना चाह रहा हूँ अपने स्मिथ भाई से कि अगर कोई बाइकर है, मतलब बाइकर बनना चाह रहा है, कोई नौजवान लड़का है, उसको बाइकिंग इंडस्ट्री में आना है, तो उसके लिए लाइसेंस, ड्राइविंग लाइसेंस कितना इम्पोर्टेंट है? सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है ड्राइविंग लाइसेंस, क्योंकि अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है तो यू आर नॉट लीगल टू राइड ऑन रोड, मतलब लीगल नहीं हो आप, कहीं से भी ये काम कर रहे हो इट्स कम्प्लीटली इलीगल। अगर आप विदाउट लाइसेंस राइड कर रहे हो, इट्स ऑल अबाउट योर लक, अगर आपका लक अच्छा है तो अच्छी बात है, बट अगर लक अच्छा नहीं और पकड़े जाओगे तो आपको जेल भी हो सकती है अगर आपने इंडियन लॉ पढ़ा हो। और सबसे मेन पॉइंट मैं एक चीज यहाँ पे बोलना चाहूंगा कि लाइसेंस होना उतना ही जरूरी है जितना आपके अंदर स्किल होना है। अगर आपके अंदर स्किल्स है और लाइसेंस नहीं है तो फिर आप किसी काम के नहीं। और स्किल्स से आप क्या कहना चाह रहे हो, स्किल्स कैसा होना चाहिए? स्किल्स मतलब आप, सबसे मेन पॉइंट मैं हर वीडियो में बोलता हूँ, बंदे बाइक खरीद लेते हैं आज की डेट में बहुत इजी है, सुपर बाइक, मतलब सुपर बाइक तो लोग ऐसे खरीद रहे जैसे KTM ड्यूक लोग पहले एक टाइम पे ले रहे थे। तो रीजन क्या है, हर चीज EMI पे मिलता है, यू कैन अफोर्ड, या फिर जिनके पास पैसा है यू कैन अफोर्ड, बट यू कांट अफोर्ड स्किल। आप स्किल को खरीद नहीं सकते हो, वो धीरे धीरे ही आपके अंदर डेवलप करेगी। दूसरी बात ये बोलना चाहूंगा, स्किल्स मैंने अभी यहाँ पे जो पॉइंट बोला है, आप बाइक चलाना जानते हो, आप बाइक भगाना जानते हो, लेकिन बाइक को कितना रोक सकते हो, कितना कंट्रोल कर सकते हो, इस चीज को ही स्किल बोलते हैं। और इंजन ब्रेकिंग वगैरह भी कोई टर्म, इंजन ब्रेकिंग जो टर्म होता है, लाइक अगर आपके बाइक में ब्रेक कम है या फिर अगर आपकी बाइक नॉन ईबीएस है तो इंजन ब्रेकिंग इंसान यूज करता है, वो तो एक अलग टॉपिक से उसके लिए निकल जाएगा, उस पर हम लोग जाएंगे तो वो बात तो है। और मैं आपसे अभी नौजवान के बारे में बात करूँ तो एक और मैसेज मैं आपसे चाहूंगा कि आप उन्हें कन्वे करो कि जैसे कि आजकल के जो लड़के होते हैं वो काफी रैश राइडिंग करते हैं, और पता नहीं क्यों उन लोग को रैश राइडिंग करना बहुत पसंद है, कहीं भी स्केट कर देंगे, मतलब भीड़ में जाएंगे, लोगों को पैनिक क्रिएट करते हैं, तो उनके लिए एज अ यूट्यूबर, एज अ इन्फ्लुएंसर आपका क्या मैसेज है? देखो, स्पीड चलाना वो कहीं ना कहीं गलत है, क्योंकि अगर आप पब्लिक रोड पे चला रहे हो स्पीड तो वो कहीं ना कहीं आपके लिए भी रिस्की है, लोग के लिए भी रिस्की है। साथ ही साथ देखो, आप सेफ्टी गियर नहीं पहन रहे हो तो वो आपके लिए तो भाई 100% रिस्की हो गया। एटलीस्ट मैं हमेशा बोलता हूँ, जब भी आप राइड करो, हेलमेट, राइडिंग ग्लव, शूज, ये तीन चीज तो मैंडेटरी है। और जैकेट बताया कि EMI पे बाइक्स मिल जा रही है, तो EMI पे हेलमेट और जैकेट भी तो मिलते होंगे? बिल्कुल मिलते हैं। अगर आप इन्वेस्ट करने का, अगर आप Amazon या Flipkart से, अभी देखो ऐसा मेरे को एग्जैक्ट कोई स्टोर तो नहीं पता जहाँ पे मिलता हो, शायद मिलता हो बट मुझे नहीं पता, मतलब पटना में ऐसा कोई स्टोर होगा, बट बहुत सारे, मतलब मैंने बहुत सारे स्टोर ऐसे देखे जो आउट ऑफ बिहार में, वहाँ पे मिलते हैं, आप EMI पे भी ले सकते हो। दूसरा ऑप्शन आज के डेट में सबको पता है, यू कैन परचेज राइडिंग गियर्स एंड हेलमेट फ्रॉम Amazon और Flipkart, तो वहाँ पे आप कार्ड यूज करके EMI का ऑप्शन आपको मिल जाता है। और बाइक्स का कलेक्शन तो आपके पास बहुत ज्यादा है, आपकी फेवरेट बाइक कौन सी है? अभी मैं बोलने ही वाला था ये चीज कि आज के वीडियो में हमारे पास सारी बाइक्स भी होती, बट ड्यू टू सम रीजन, टेक्निकल इश्यूज, हाँ टेक्निकल इश्यू कह सकते हो, और मैं भी थोड़ा आज थोड़ा बिजी था क्योंकि संडे का दिन है, एंड संडे का ऐसा दिन होता कि हर राइडर राइड पे जाता है, शूट करता है कंटेंट वंटेंट, बहुत इंपॉर्टेंट, हाँ तो संडे बहुत इंपॉर्टेंट है, संडे के दिन हमने ये शूट कर रहा है, जो हम लोग शूट कर रहे हैं, तो ये जो चीज है वो हम लोग किसी एक फ्रेम में दिखा देंगे, जो भी मेरी कलेक्शन आने वाले समय में आपको जरूर दिखेगा, अगर आपके OG स्टील बंडल अगर चाहेंगे तो। नहीं, मैं तो बिल्कुल चाहूंगा। तो पॉइंट ये, मेरा जो सबसे फेवरेट बाइक है वो मेरा वो R15 है, मैं रॉयल एनफील्ड का शूट करके आ रहा हूँ, इसलिए जुबान पे रॉयल एनफील्ड आ रहा है। देखो ये हो जाता है ना, जब आप किसी बाइक को तुरंत राइड करके आओगे ना, इफ यू आर अ राइडर, तो वो चीज आपके दिमाग में चलता रहेगा। अभी आपकी जो वैम्प से कहानी जुड़ी हुई है, आपकी एक वैम्प थी जो जल गई थी, R15 MM ने लिया था, तो उसका क्या जर्नी था? मतलब उसका ये था, लाइक वो मेरी फर्स्ट बाइक थी मेरे खुद के इनकम से, तो उससे मैं बहुत ज्यादा कनेक्टेड था। और अगर आपने भी कभी खुद के पैसों से बाइक खरीदा होगा, वो भी अपनी पहली बाइक, तो जो खरीदा होंगे वो फीलिंग समझ सकते हैं, बाकी वर्ड्स तो उसको बयां नहीं कर पाएंगे जो फीलिंग्स उस समय मैंने फेस किया था। तो एक और चीज़ मैं बताना चाहूँगा, उसके बाद जो R15 ही मुझे लेना था, बट V3 नहीं, क्योंकि एक बार जो चीज़ चला गया फिर वो चीज़ लाने का मन नहीं था, और मैंने देखा था बहुत जगह लीक की नई बाइक आ रही है वहाँ की, तो R15 MM ने लिया था। और उस बाइक को खरीदने के लिए मैं बता रहा हूँ, मैं लद्दाख राइड पे था, श्रीनगर से मैं गया था अमृतसर,
इसलिए क्योंकि मुझे पेमेंट करना था श्रीनगर में, जिनको भी पता है भाई प्रीपेड सिम कार्ड नहीं चलता है, पोस्टपेड सिम कार्ड चलता है, तो मेरा ओटीपी कैसे आता है, मेरे को पेमेंट करना था क्योंकि मेरा बाइक चाहिए थी मेरे को फर्स्ट इन बिहार। ओके, तो आपने श्रीनगर से बाइक ली? मैं बोलना नहीं चाहिए, मैं बाइक राइड करके गया हूँ श्रीनगर से अमृतसर, मतलब जैसे मैंने बॉर्डर क्रॉस किया मैं बाइक रोक कर आधे घंटे पहले ये सारा काम किया है। ओके, छिपी हुई जानकारी आपने अभी अपने मतलब इस वीडियो में बताया है। और मैं ये जानना चाहता हूँ आपसे, ये बाइक की आपकी कहानी थी, आपके पास एक सुपर बाइक भी है शायद, है जो भी देख रहे हैं सबको पता होगा, दैट इज ज़ारा, आई होप। नो नो, दैट इज Z900, आपके नाम हमने गॉडज़िला रखा है, गॉडज़िला सॉरी ज़ारा, ज़ारा MT15 का नाम। ओके, गॉडज़िला जो बाइक है दैट इज कावासाकी Z900, मैं आपको बता दूं गॉडज़िला का नाम ओरिजिनल नाम क्या है। तो गॉडज़िला से जुड़ी हुई क्या कहानी है आपके साथ, मतलब कैसे ये बाइक पसंद आ गई? देखो मुझे ना सुपर बाइक लेना था बहुत टाइम से, एक टाइम पे जब इंसान मतलब इन सेगमेंट से क्रॉस कर जाता है तो लगता है कि हाँ एक सुपर बाइक होनी चाहिए अपने गैराज में, इनलाइन फोर होनी चाहिए, और हर राइडर का एक ड्रीम होता है कि गैराज में इनलाइन फोर हो। अगर मुझे जहाँ तक पता आप भी एक राइडर हो, आपका भी कहीं ना कहीं ड्रीम होगा कि गैराज में आज नहीं एक साल बाद 10 साल बाद एक गैराज में इनलाइन फोर है। तो मैं गया था दिल्ली और वहाँ मैं गया था कुछ और काम से, ऑल ऑफ सडन मुझे वो बाइक पसंद आ गई और वो बाइक बिल्कुल ब्रांड न्यू थी, सिर्फ 800 किलोमीटर चली थी, तो मुझे बाइक पसंद आ गई। और नहीं होता मतलब एक पल में कि हाँ ये चीज पसंद है उसको चाहिए, और लिटरली बता रहा हूँ उस टाइम मेरे पॉकेट में 1000 रुपए भी कैश नहीं पड़ा था, बट मैं एग्जैक्ट अमाउंट नहीं बता रहा हूँ, नहीं मैं बता रहा हूँ मेरे नहीं, मैंने पूरा कैश पे किया था वहाँ पे, ठीक है, जेब में मेरे 1000 रुपए भी कैश नहीं पड़ा था, बट विद इन 2 डेज मैंने सारा कैश पेमेंट दिल्ली में वहाँ बाइक का करके और वहाँ से आया, और मैंने बाइक राइड करके दिल्ली से पटना लाया था। क्या बात है, जबरदस्त कहानी है। अपने स्ट्रीट बर्नर ओजी स्ट्रीट बर्नर से मैं ये पूछना चाहूंगा कि आप मतलब जो यंगस्टर बाइकर बनना चाहते हैं उनको क्या मैसेज देना चाहते हो, मतलब किस बाइक से स्टार्ट करनी चाहिए? क्योंकि मैं आपसे एक और पर्सनल भी सवाल पूछना चाहता हूँ कि R15M आजकल यंगस्टर की सबसे फेवरेट बाइक है, इजी अफोर्डेबल है, अगर नहीं भी है तो आप EMI पे उठा सकते हो। आजकल EMI पे लोग सुपर बाइक्स खरीद रहे हैं, तो फिर ये तो फिर भी सिंगल सिलेंडर की बाइक्स। तो आप कौन सी बाइक सजेस्ट करोगे किसी भी अपकमिंग मोटो ब्लॉगर या फिर यूट्यूबर के लिए? देखो मैं एक चीज बहुत ही क्लियर बोलना चाहता हूँ, अगर आपके कंटेंट में दम है, आपको पता है कि आपको करना क्या है, आपको वीडियोस में क्या दिखाना है, तो बाइक मैटर नहीं करता, आप कोई से बाइक से भी राइड कर सकते हो, किसी बाइक से भी आप स्टार्ट कर सकते हो। मतलब मैंने भी होंडा हॉर्नेट से स्टार्ट किया था, जो मेरा मतलब खुद का फर्स्ट बाइक था, जो कि मतलब उन्होंने घर वालों ने दिलाया था, तो वो होंडा हॉर्नेट थी, वहां से हमने स्टार्ट किया, फिर लेटर आई गो विथ R15M, तो R15M 155cc की बाइक है, बहुत बिग बाइक भी नहीं है, तो इससे ही आपको समझ में आ चुका होगा बाइक और सीसी मैटर नहीं करता है, आपके अंदर कितना जज्बा है उस चीज को करने का वो मैटर करता है, और कितना आप ज्यादा करना चाहते हो उस चीज का, अगर डेडिकेशन कितनी है, फुल्ली डेडिकेटेड हो उस चीज में तभी आप आगे बढ़ सकते हो। मैंने स्टार्टिंग में ही बोला था कितना आप रेगुलर और कितना फोकस्ड हो उस चीज को लेकर, वो सबसे ज्यादा मैटर करता है। और आपके पास एक खतरनाक चीज है वोल्टस GT, उसके बारे में जरा बताएं आप। तो देखो मेरी क्या कहानी रही, उसकी ये कहानी रही है कि वो मेरी फर्स्ट कार है और मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं इतने कम टाइम पे अपने गैराज में इतने सारे मतलब व्हीकल्स को ऐड कर पाऊंगा, चाहे वो बाइक हो या कार हो। तो वोल्टस GT का ये स्टोरी है, मुझे ना एक कार लेना था, मतलब मैं बहुत ज्यादा कंफ्यूज था कौन सा लो कौन सा नहीं, बट फ्रॉम स्टार्टिंग एम ए सेडान लवर, तो ऑल ऑफ सडन जो मतलब मेरे प्राइस बजट में बैठ रहा था वो था वोल्टस, बट मैंने सोचा जब ले रहे हैं तो भाई थोड़ा सा बढ़ के टॉप ऑफ द वेरिएंट लेते हैं, मतलब जो टॉप ऑफ द लाइन आ रहा है, तो इसलिए मैंने वोल्टस GT लिया था, उस टाइम पे वो सबसे टॉप एंड वेरिएंट थे, अभी भी वही टॉप एंड है, अभी मैनुअल आ गई है मेरी जो है वो नीचे है। सबसे खतरनाक राइड आपने कौन सी करी अपने लाइफ में जहाँ पे आप बुरे फंसे? सबसे बुरा फंसने पे भी आऊंगा अभी मैं, सबसे बुरा तो मैं फंसा था नॉर्थ सिक्किम के राइड पे, तो मैं लाचुंग में था और वहाँ पे क्लाउड बर्स्ट हो गया था और लेक भी बर्स्ट हो गया था, क्लाउड बर्स्ट के साथ साथ लेक भी बर्स्ट हो गया था, तो लाचुंग से मतलब नॉर्थ सिक्किम से जो गैंगटॉक है वो पूरा डिस्कनेक्ट हो चुका था। ओके, और वहाँ पे आर्मी हेली रेस्क्यू कर रही थी, जैसे बहुत अच्छी बात थी कि हमारे जो होटल वाले थे बहुत ही कोऑपरेटिव थे, और एक और अच्छी बात ये थी कि उस होटल में सिर्फ हम 4 लोग थे जो हमारे साथ राइड लगे थे, बाकी कोई एक्स्ट्रा गेस्ट नहीं था, तो वो एक वीक के लिए हमारा घर बन चुका था, मतलब जो कुक थे जो भी वहाँ के वर्कर थे साथ में खा रहे हैं, साथ में बातें हो रही है, क्योंकि ना इंटरनेट था ना वहाँ पे कोई नेटवर्क था, तो वो जो लाइफ था ना कोई लॉकडाउन में भी वैसा लाइफ नहीं दिया होगा जो लाइफ हमने वहाँ पे एक वीक में दिया, और सच बता रहा हूँ वो एक वीक हमने बहुत कुछ सीखा लाइफ में,
कि अगर आपके पास फोन नहीं, मतलब ये इतना महंगा महंगा फोन सिर्फ घर ही देखने के लिए अपन यूज कर रहे थे, सिर्फ एक क्लॉक बन गया था, नेटवर्क कुछ नहीं थी वहाँ, मतलब एक दिन के लिए तो लाइट भी नहीं था, इलेक्ट्रिसिटी भी वहाँ पे नहीं थी, इलेक्ट्रिसिटी एक दिन के बाद आई थी, बट नेटवर्क एक वीक तक ही नहीं था, मतलब वहां से जब अपन वहां से निकले थे रेस्क्यू होकर उसके बाद, और रेस्क्यू होने के लिए हमने 12 से 13 किलोमीटर का ट्रैक किया था, वो भी पहाड़। उसके बाद बाइक कैसे आई आपकी? बाइक आई बाद में, मतलब एक फ्रेंड ने बाइक हेल्प करा फिर वो आई बाइक। एक सवाल फिर से पूछूंगा, थोड़ा अलग किस्म का सवाल है। सवाल ये है कि बाहर के जो यूट्यूबर्स होते हैं, एक अभी रिसेंट कुछ साल हुआ उस इंसिडेंट को, कुछ बाहर के यूट्यूबर्स आए थे और बिहार को बहुत बहुत बुरा बोल कर गए थे कि बिहार में कोई मैनेजमेंट नहीं है राइडिंग के नाम पे या कुछ नहीं है, और बाहर मतलब आप दिल्ली साइड में जाओगे तो दिल्ली में ना क्या होता है ना कि बिहारियों को ना ऐसा गाली टोटरे किया जाता है कि अगर कुछ मतलब किसी को कुछ करने नहीं आ रहा है तो उसको बोल देंगे बिहारी है तू। मैं तो प्राउडली बोलता हूँ, मैं हर जगह प्राउडली बोलता हूँ, और मतलब अपने वीडियोस में भी मैं दिखाता हूँ कि आई एम मेकिंग वीडियो इन पटना, या फिर मैं जिस जगह से बिलोंग करता हूँ कभी उसको छुपाता नहीं हूँ, और कभी छुपाना भी नहीं चाहिए, चाहे आप किसी भी स्टेट से हो किसी भी शहर से हो, आप उस चीज को प्राउडली बोलो आप उस जगह से बिलोंग करते हो। और मैंने अभी तक कभी ऐसा फेस नहीं किया तो मैं बता नहीं सकता ज्यादा डिटेल में, बट बीइंग अ मोटो ब्लॉगर बीइंग अ यूट्यूबर मैंने बहुत सारे यूट्यूबर से मिले, मतलब लाइक इंडिया में जितने भी मोटो ब्लॉगर्स सबसे मैं ऑलमोस्ट मिल रखा हूँ। तो ये एक ऐसी कम्युनिटी है ना मोटरसाइकिल, अगर आपके राइडिंग कम्युनिटी में कोई ऐसा बंदा है तो शायद वो राइडर कहलाने के लायक नहीं है, क्योंकि आज तक मैंने कभी फेस नहीं किया कोई बंदा, मतलब बहुत सीनियर मोटो ब्लॉगर भी हो या फिर बहुत ज्यादा जिनका सब्सक्राइबर भी हो, आज तक जितने भी है सब रिस्पेक्ट देते हैं और सबको मैं रिस्पेक्ट देता हूँ, दैट्स इट। आज के दिन में आपके 1 मिलियन सब्सक्राइबर के आसपास है, कैसा फील आता है अंदर से? फील बस यही आ रहा भाई जल्दी करा दो फिर कुछ धमाका आएगा कुछ धमाका आएगा, मतलब ऐसा कभी क्राउड में जाते हो आप तो परेशानी नहीं होती है फैन फॉलोइंग से? हाँ होती है, बट अभी क्या है ना कि मैं कोशिश करता हूँ कि जहाँ भी जाऊँ राइड पे छोटा छोटा मीटअप करके सबसे मिल लूँ, क्योंकि बहुत लोग ये कहते हैं भैया आपको मैं वीडियोज में देखता हूँ सामने से कैसे मिलूँ, तो अभी मैंने राजगीर राइड करा था तो वहाँ पे हमने छोटा मीटअप रखा था, मेरा बिहार राइड का भी प्लान था, बट आपको भी पता है वेदर कैसा हो रखा है और ऐसे वेदर में सुपर बाइक राइड करना बहुत ही ज्यादा रिस्की हो जाएगा, और मैं नहीं चाहता भाई खुद रिस्क में जाकर और आप लोगों को भी उस रिस्क में बुलाओ, क्योंकि मीटअप पे भाई सारे लोग आएंगे, बारिश हो रही है वेदर खराब है, तो मैं नहीं चाहता कि वैसे में किसी को मैं परेशान करूं, जब वेदर सब कुछ ठीक हो जाएगा प्रॉपर तगड़ी वाली राइड करेंगे और सबसे मिलेंगे। थोड़ा सा बात को यहाँ पे हॉल्ट देते हुए ना, मैं आपके ओजी स्ट्रीट बंडर का हेलमेट और जैकेट आपको दिखाऊंगा ताकि आप इंस्पायर हो लाइफ में कि अगर कभी भी राइड करो ना तो इन सारे एक्सेसरीज को लेके करो, अभी आपके स्मिथ भाई बताएंगे उसके बारे में। हमारा ग्लव्स जो कि मैं रेगुलर मोस्टली यूज करता हूँ, यू कैन सी ये ग्लव्स, दिस इज अ ग्लॉन्टेड ग्लव्स, आपका यहाँ तक कवर रहेगा, फुल ग्लव्स, और ये रहा अपना हेलमेट जो कि एक्सोर का है, एंड दिस इज अ डॉट सर्टिफाइड और ये इसी सर्टिफाइड हेलमेट है, तो डॉट सर्टिफाइड मीन मतलब ये आपके सर को बचा लेगा फ्रॉम क्रैश, ये मतलब सबसे बड़ा पॉइंट है, आजकल 1000 रुपए का भी हेलमेट मिलता है, दिखने में बहुत अच्छा होगा लेकिन हेलमेट और राइडिंग गियर्स ऐसे लेने चाहिए जो आपको प्रोटेक्ट करे, सिर्फ लुक वाइज नहीं। प्रो राइडर का जो इंसिडेंट हुआ था हेलमेट की वजह से, एग्जैक्टली उनका कुछ पैडिंग का इशू था शायद, हेलमेट छोटा था या कुछ ऐसा कुछ इशू था, तो ये जो GoPro है ये जो मैं यूज करता हूँ दिस इज GoPro 12, और ये रहा अपना अडैप्टर और ये रहा माइक, ये रहा सेटअप। तो ये क्वेश्चन होता है माइक कौन सा यूज करता हूँ, माइक कौन सा, तो ये चीज मैं क्लियर कर देता हूँ भाई, ये रोड का माइक है, एंड ये 200 के ऊपर भी अगर आप राइड कर रहे हो तो भाई ये माइक आपके ऑडियो क्वालिटी को एकदम क्लियर रखता है। सो दिस इज माई जैकेट जो कि मैंने कल ही खरीदा कांग्रेचुलेशंस थैंक यू, और दिस इज अ DSG एंड ये लेवल 2 प्रोटेक्शन इसके अंदर है, ये आप देख सकते हो यहाँ पे चेस्ट पे भी प्रोटेक्शन है, और लुक वाइज आप देख कर बताओ कैसा लग रहा है, तो कुछ ऐसा दिख रहा है, एंड इससे पहले भी मेरे पास एक DSG इसमें हम्प है, बट हम्प वाले के साथ क्या ना कि आप थोड़ा ज्यादा मतलब दूर से दिख जाओगे और आपको पता है कॉप्स कितने एक्टिव है, बहुत एक्टिव, तो इसीलिए कभी भी आप ऐसा पहनो मतलब सिंपल रहो और प्रोटेक्शन भी मिले आपको, दैट्स इट। मोस्ट ऑफ द राइडर्स इतना अफोर्ड नहीं कर पाएंगे अभी फिलहाल के लिए, तो उनके लिए आपका कुछ सजेशन है, मतलब कुछ आपको आइडिया कि कौन से ब्रांड में वो जा सकते हैं जो उनके बजट फ्रेंडली हो जाए? लाइक स्टार्टिंग में आप BBG और Rhinox के जो एंट्री लेवल के जैकेट्स, एंट्री लेवल के राइडिंग जैसे वो ले सकते हो, 5-6 हज़ार रुपए का आ जाएगा। अब अगर कोई बंदा ये बोल रहा है कि मैं 5-6 हज़ार का भी जैकेट अफोर्ड नहीं कर सकता हूँ तो भाई आप राइड करना छोड़ दो, और अगर आप राइड कर रहे हो तो अपने लिमिट में राइड करो, क्योंकि अगर सेफ्टी नहीं है तो फिर कुछ भी नहीं है। अगर आप 1.5 लाख रुपए के बाइक EMI पे खरीद सकते हो तो कोशिश करो कहीं से कि आप 5,000-10,000 रुपए उसमें से सेव करके आज के डेट में मतलब जो बाइक चला रहा है वो उतना का फ्यूल
महीने में उड़ा देना होगा। तो वो चीज थोड़ा सेव करके आप इन सारी चीज को एटलीस्ट अपने पास रखो। हेलमेट एक ऐसा चीज है, आप सिटी में घर से अगर घर के लिए दूध भी लेने निकल रहे हो ना, चाहे भले ही 200 मीटर क्यों ना जाओ, तो प्लीज वेयर हेलमेट। ये आपको मैं शुरू से बोलता आया हूँ, हर वीडियो में बोलता हूँ, राइड सेफ और राइड हार्ड। कितना कमा लेते हो आप? बेसिक क्वेश्चन है, हर क्वेश्चन में पूछा जाता है, इतना कि एक आईफोन आ जाए बस। और भाई, और ये इंस्पिरेशन आप ले सकते हो। अब ये कौन सा प्रो मैक्स या नॉर्मल ये नहीं बताने वाला समझदार है जो आईफोन आप खरीद सकते हो पर मंथ, और उसका की क्या है, कंसिस्टेंसी और डेडिकेशन। और एक और चीज, आपका जो पैशन है उसको ही प्रोफेशन बनाना, मैं बहुत क्लियर बता रहा हूँ। अगर आपको राइडिंग का शौक है देन गो फॉर मोटर ब्लॉगिंग। ये मत करना भाई कि आपको फूड ब्लॉगिंग का शौक है और आप जाके वहाँ पे कॉमेडी बना लो, तो ये चीज कभी मत करना। जब आपकी YouTube जर्नी स्टार्ट हुई थी तो घर वालों का रिएक्शन कुछ तो रहा होगा? जैसे कि पहले जब मेरे 1,00,000 सब्सक्राइबर हो गए थे तो तब तक घर वालों को पता भी नहीं था। अच्छा, पता ही नहीं था क्या? तो मतलब बाकी बहुत सारे जो रिलेटिव्स होते हैं अड़ोस पड़ोस वाले, उनके थ्रू पता चला था ये चीज। और रिलेटिव्स मतलब अच्छा रिएक्शन देते हैं, बुरा रिएक्शन देते थे? कोई नहीं चाहता कि कोई इंसान ग्रो करे, पॉइंट है। स्पेशली जो आपके आसपास के लोग होते हैं वो तो कभी नहीं चाहते हैं। तो सबका मेंटालिटी ये था कि नहीं, ये मत करने दीजिए, इसमें रिस्क है, ये वो है। और पेरेंट्स का रिएक्शन मतलब 1,00,000 के बाद चेंज हो गया? मेरे पेरेंट्स शुरू से नहीं, ऐसा 1,00,000 नहीं, अभी 7,500 भी है तो फिर भी पेरेंट्स सपोर्टिव मतलब शुरुआत से ही है। और आई होप कि इतने सारे क्वेश्चन मैंने इनसे पूछे हैं जितना मैं, आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। लास्ट क्वेश्चन मैं पूछना चाहूंगा आपके ओजी स्ट्रीट बंडर से कि बिहार राइडिंग कम्युनिटी को आपका क्या मैसेज रहने वाला है? सबसे बड़ी बात है, आज के डेट में लोग मतलब सुपर बाइक लेकर ऐसा सोच रहे हैं कि मतलब दूसरे के वीडियोस को देखकर कि हम भी ऐसा राइड कर सकते हैं, तो ये चीज आप छोड़ दो, प्लीज ये चीज मत करो। अगर आपको अपना लिमिट नहीं पता है, चाहे आप सुपर बाइक राइड करो नॉर्मल बाइक राइड करो, आपको अपना लिमिट पता होना चाहिए, आप अपने लिमिट में ही राइड करो। दूसरी बात, कभी भी किसी दूसरे को देखकर फॉलो मत करो कि इंसान ऐसा कर रहा है तो मैं भी ऐसे करूं। आपको अपने बारे में पता होना चाहिए, आपके अंदर क्या स्किल्स है, आप कितने कैपेबल हो, तो ये सारी चीज सबसे ज्यादा मैटर करती है। मैं अभी भी बोलना चाहूंगा, बहुत सारे लोग हैं जो मुझे देखकर Z900 खरीदे हैं। आप बाइक खरीद सकते हो, स्किल्स नहीं खरीद सकते हो, मैंने आपको पहले भी बता रखा है। तो ये चीज हमेशा याद रखना, चाहे मैं बिहार को नहीं, मतलब पूरे ऑल ओवर, मतलब जो भी ये वीडियोस देख रहे हैं सबको मैं बोल रहा हूँ, आप किसी को देखकर ना ऐसा मत सोचो मैं वैसे चलाऊँ, ठीक है? ये चीज बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अब जो लोग MotoGP देखते होंगे, आप ट्रैक राइडर्स पे, तो मैं MotoGP भी अटेंड किया था, तो कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस? दैट वाज रियली अनएक्सपेक्टेड, मतलब मैंने कभी सोचा नहीं था कि अपने इंडिया में ये चीज कभी मैं एक्सपीरियंस कर पाऊंगा। और जो वो एग्जॉस्ट की आवाज आती होगी इनलाइन 4, नॉट इनलाइन 4, वो इनलाइन 4 नहीं समझो, इनलाइन 4 का बाप था, क्योंकि एक साथ जब 50 वैसे बाइक्स, वो भी सुपर 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 बाइक, पूरा रॉकेट वाली रॉकेट, ऐसा लग रहा था मतलब एयरप्लग्स हमारे दिए गए थे KTM की तरफ से, क्योंकि मैं KTM की तरफ से गया था, तो KTM वालों ने एयरप्लग्स दे रहे कान में लगा लो, इतनी आवाज थी वो भले ही हमारे VIP बॉक्स से, बट स्टिल उन्होंने भाई एयरप्लग्स दिया था कि आपके कान सेफ रहे। ओके, तो इस लेवल पे एक्साइटमेंट और इतना आवाज था ना वहाँ पे, बहुत मजेदार। और आई होप कि ये वाला वीडियो अभी तक आपको बहुत मजा आया होगा। अगर आपके ओजी स्ट्रीट बर्नर अग्री करते हैं ना, तो मैं इनका गैराज भी आपको कभी ना कभी इसी वीडियो में दिखाऊंगा, है ना सर। और इसी के साथ मैं करता हूँ इस वाले वीडियो में एंड। आई होप ये जो वीडियो था आपको अच्छा लगा होगा। चैनल पर पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करना ना भूले, वीडियो को शेयर करना ना भूले, अपना प्रीशियस कमेंट अपने ओजी स्ट्रीट बर्नर के लिए भी जरूर से जरूर डालें। और आपका कुछ मैसेज मेरे सब्सक्राइबर व्यूअर्स को? भाई बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, मतलब भाई ने बोला था कि हमें ऐसा कुछ पॉडकास्ट करना है जिससे अपन पोर्ट्रे कर सके कि बिहार में भी राइडिंग कल्चर है, यहाँ पे भी राइडिंग कम्युनिटी है, और यहाँ के भी लोग अच्छे लेवल पे रिप्रेजेंट करते बिहार को। तो मैंने बोला बिल्कुल, जहां तक हो सके मैं भी सपोर्ट करूंगा इस चीज में। तो बस इतना ही बोलूंगा, ऐसे ही ग्रो करते रहिए और भाई के पेज को चैनल को ऐसे ही फॉलो करते रहिए साथ। चलिए, टिल देन स्टे ट्यून्ड, स्टे अपडेटेड, टेक केयर एंड बाय बाय।